साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को बहुत आशा से देख रही है। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसका रोड मैप बना रहे हैं। और आज जब मैं बुंदेलखंड की धरती पर आया हूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इलाके में आया हूं, यहां से इस वीर भूमि से मैं हिंदुस्तान के 6 लाख से भी ज्यादा गांव के लोगों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज जो हम आजादी का पर्व मना रहे हैं, इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिए हैं, यातनाएं झेली है। जब 75 वर्ष है, हमारा दायित्व बनता है अभी से योजना बनाए। आने वाला 1 महीना 15 अगस्त तक हर गांव में अनेक कार्यक्रम हो, गांव मिलकर के याद कार्यक्रम करे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की योजना बनाए, वीरों को याद करे, बलिदानियों को याद करे, स्वतंत्र सेनानियों को याद करे, हर गांव में नया संकल्प लेने का एक वातावरण बने। ये मैं सब देशवासियों को आज इस वीरों की भूमि से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज भारत में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसका आधार वर्तमान की आकांक्षा और भारत के बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ न हो। हम कोई भी फैसला ले, कोई भी निर्णय ले, कोई भी नीति बनाए, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे देश का विकास और तेज होगा। हर वो बात जिससे देश को नुकसान होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, उससे हमें हमेशा हमेशा दूर रखना है। आजादी के 75 वर्षों बाद भारत को विकास का ये सबसे बेहतरीन मौका मिला है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। हमें इस कालखंड में देश का ज्यादा से ज्यादा विकास करके उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, नया भारत बनाना है। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए
नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं, छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं, नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं, ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही, डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। मंत्री महोदय।